यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये लेक्चर 16 है, 2016 ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मार्क्स 10 का है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1 एंड y माइनस mx इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ विल टू लाइन्स इंटरसेक्ट। क्लियर? तो हमारे लिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इजी है, कठिन नहीं है, देखते हैं क्या होता है इसमें। गिवन गिवन टू गिवन टू लाइन्स गिवन टू लाइन्स जो हमको दी हैं x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1। क्लियर? और सेकंड है x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन 0। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट l डैश कॉमा m डैश कॉमा n डैश बी दी विद दी डायरेक्शंस कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन। ऑफ द लाइन ऑफ द of the shortest distance it will be perpendicular to both of lines then तो हम लिखेंगे इसको 2l डैश हो जाएगा। अरे ये लिखेंगे ना 2l डैश और प्लस 4 m डैश प्लस 1 है वहाँ पर n डैश इज इक्वल टू, अरे डायरेक्शन कोसाइन कितना है l m n तो l इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 2l डैश प्लस 4 m डैश प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही है। l डैश प्लस
एम डैश प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब आप इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए, चाहे किसी और विधि से सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मैंने सॉल्व करके देखा है इसको। एल डैश अपॉन माइनस एम इज इक्वल टू एम डैश अपॉन वन इज इक्वल टू एन डैश अपॉन टू एम माइनस फोर। क्लियर। टू एम माइनस फोर, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास बचेगा अंडर रूट एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस फोर का स्क्वायर। क्लियर। तब आपको बचेगा वन अपॉन अंडर रूट फाइव एम स्क्वायर प्लस सेवेंटीन माइनस सिक्सटीन एम। क्लियर। तो सो डायरेक्शन कोसाइन आर, सो डायरेक्शन कोसाइन आर। क्लियर। माइनस एम अपॉन माइनस एम अपॉन अंडर रूट फाइव एम स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एम प्लस सेवन कॉमा वन अपॉन फाइव एम स्क्वायर प्लस सेवेंटीन माइनस सिक्सटीन एम। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइन प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइन ऑफ वन कॉमा टू कॉमा थ्री एंड जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो ऑन लाइन। ऑन लाइन विद विद अबव
अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमारे पास ये हो जाएगा m प्लस 2 प्लस 6m माइनस 12 अंडर रूट 5m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 17, तो इसलिए द शॉर्टेस्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is 5m, अरे ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ से 5m 6m माइनस m 5m अपॉन माइनस 10 अंडर रूट 5m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 3 फॉर टू लाइन इंटरसेक्ट. अब फॉर टू lines to intersect, clear? Shorted distance is equal to 0. जीरो, क्लियर. तो हमारे पास बचेगा 5m अपॉन माइनस 10 अंडर रूट 5m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 17 इज इक्वल टू 0, क्लियर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू में 5m माइनस 10, इसका जब आप वाई फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तब आप इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको यहाँ से m की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 2, क्लियर. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.